और एट नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन्स इसे पढ़ते पूरे पैराग्राफ को फिर इसमें से जो की पॉइंट्स हमें मिलेंगे बस वही याद रखेंगे सिस्टम अप्रोच रिक्वायर्स द प्रोजेक्ट मैनेजर्स व्यू देयर प्रोजेक्ट्स इन आ मैं हाईलाइट करती जाती हूँ जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है पूरा पैराग्राफ अगर हम देखें तो देयर इज नो मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दट हो सकता है ये पेपर में भी ना आए अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए या इसका वैलिड आंसर देखा जाए तो ये तीन दो लाइंस जो लास्ट की है ये अगर पेपर में इसका क्वेश्चन आता है तो इनकेस बिल्कुल ठीक आंसर है इसका टू इम्प्रूव द सक्सेस रेट ऑफ द आई टी प्रोजेक्ट्स एंड इट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू डेवलप अ बैटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एज वेल एज ऑर्गनाइजेशन सक्सेसफुल बनाने के लिए आई टी प्रोजेक्ट्स को इम्पॉटेंट क्या है कि वो डेवलप करें बैटर अंडरस्टैंडिंग लोगों और ऑर्गनाइजेशन के दरमियान इसके अलावा इस पूरे पैराग्राफ में दो और बातें की गई है एक ये बात की गई है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो फेल होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट जो फेल होते हैं मोस्टली वो किसकी वजह से होते हैं कंपनी पॉलिटिक्स की वजह से कंपनी की जो पॉलिटिक्स होती है उसकी वजह से ठीक है और दूसरी उन्होंने ये बात की है कि जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते वो पीपल अपोज टू कहा थे पीपल अपोज टू द प्रोजेक्ट्स पीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ़न डू नॉट स्पेंड इनफ टाइम आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट स्पेशली पीपल अपोज टू द प्रोजेक्ट इस पूरी दो लाइन्स का मतलब क्या है इसको मैं रिमूव कर देती हूँ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती कि वो अपना इनफ टाइम जो है नहीं वेस्ट करते डू नॉट स्पेंड इनफ टाइम इन वेस्टिंग या डो नॉट वेस्ट देयर इनफ टाइम किस चीज़ के लिए इनफ टाइम नहीं वेस्ट करें वो पहचानने के लिए या इस बात को सोचने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करें कि हमारे दुश्मन कौन है या हमें अपोज कौन कर रहा है ठीक है वो ये सोचते ही नहीं है वो अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करते इस चीज़ पर और दूसरा वो एक और चीज़ पर टाइम नहीं इन्वेस्ट करते वो कह रहे हैं वो डो नॉट इन्वेस्ट टाइम कंसिडरिंग द पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कॉन्टेक्सट ऑफ द प्रोजेक्ट और द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब पॉलिटिक्स पर और कल्चर पर टाइम नहीं इन्वेस्ट करते ज़्यादा करते होंगे ज़्यादा नहीं करते ठीक है तो ये तीन बातें याद रखनी है पहले ये लास्ट में जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसे यहाँ से लेके यहाँ तक फिर उसके अलावा पहली बात कि ये फेल क्यों होता है पॉलिटिक्स की कंपनी पॉलिटिक्स की वजह से दूसरा किन दो चीज़ों पर टाइम तीन चीज़ों पर टाइम नहीं इन्वेस्ट करते है? अपने अपोजिशन को ढूंढने में अपने प्रोजेक्ट के जो है कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर और पॉलिटिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट पर ठीक है इन दो चीज़ों पर टाइम नहीं अपना इन्वेस्ट करते है. अच्छा आगे चलते हैं आगे हमारा फोर फ्रेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार फ्रेम्स कौन से हैं कल्चरल फ्रेम ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम, पॉलिटिकल फ्रेम और सिंबोलिक फ्रेम ठीक है कल्चर फ्रेम में क्या है लेटमी हाईलाइट इड जो याद करना है बस इसके एग्जाम्पल कल्चर फ्रेम की आईटी से रिलेवेंट मुझे कोई याद नहीं आ रही जो यहाँ लिखी हुई वो मुझे समझ नहीं आई तो इट डील्स विद हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहली बात स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर फ्रेम है तो ये ये बताएगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगी दूसरा ये ये करेगा ये फोकस करता है ग्रुप रोल्स पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर कि कैसे कोई ग्रुप और ग्रुप uh, और uh, कैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मीट करेगा या गोल्स और पॉलिटिक्स पॉलिसीज़ जो होगी गोल्स और पॉलिसीज़ जो होगी जो मैनेजर ने सेट की है उसको कैसे फुलफिल करना है? मतलब ये फोकस करेगा ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ रोल्स पर और रिस्पॉन्सबिलिटीज को और कैसे वो गोल्स और वो पॉलिसीज सेट जो मैनेजर ने की है वो फुलफिल कैसे होगी वो मीट कैसे होगी ठीक है वो काम कैसे करेगी उसके ऊपर तो ये इन दो चीज़ों पर फोकस करता है नेक्स्ट पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम क्या करता है इसके अंदर लोगों पर और ऑर्गेनाइजेशन नीड्स दोनों पर फोकस किया जाता है मतलब लोगों का भी ख्याल किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स का भी ख्याल किया जाता है अच्छा इसके एग्जांपल में सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल आप साबुन बनाने की कंपनी में यूर वर्किंग इन अ सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक दिन में दस साबुन आप बनाते हो आप को ऑर्डर मिल जाता है कि आपने एक वीक में आ, एक हज एक डेढ़ सौ साबुन बना के देने लेकिन क्योंकि आप एक दिन में तो दस साबुन बनाते हो तो आप क्या करोगे आप ये आप ये सोचोगे कि मैं ना लोगों को ज़्यादा टाइम के लिए रोक लूँ और टाइम बढ़ा दूँ कंपनी का इस तरह फिर एक दिन में कंपनी मेरे दस से बीस साब, दस की बजाय बीस साबुन बनाएगी और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा मेरा ऑर्डर पूरा हो जाएगा वॉट सो तो इन दिस केस व्हाट यू आर डूइंग आप अपने अपने जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो उनकी पर्सनल लाइफ और हेल्थ को आप इफेक्ट कर रहे हो अपने मफाद के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइज फॉर नॉट गुड फॉर पीपल बट इट इज़ गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन उसको सक्सेस मिलेगी लेकिन आपके वर्कर्स की हेल्थ ख़राब होगी उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी तो हमें दोनों को मैनेज करना है ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम में नीड्स पीपल की नीड्स और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स दोनों को रिकोगनाइज करना है दोनों को मैच करना है फिर कोई फ़ैसला करना है अच्छा पॉलिटिकल फ्रेम पॉलिटिकल फ्रेम हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल फ्रेम में क्या एड्रेस ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी होती है पर्सनल पॉलिटिक्स भी होती है पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन टेक फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स फॉर पावर रिसोर्स एंड लीडरशिप पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हो वो क्या होगी उसके अंदर तीन चीज़ें होगी पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि हो सकता है वो आपस में कंपटीशन हो जाए लोगों का इंडिविजुअली और ग्रुप्स का आपस में कि ग्रुप्स बन जाए या इंडिविजुअली लोग आपस में एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाए किस चक्कर में पावर रिसोर्सेज और लीडरशिप के चक्कर में ठीक है तीन तरह के कॉम्पिटिशन हो सकते हैं ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स अब पर्सनल पॉलिटिक पॉलिटिक्स फ्रेम एम्फोसाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन आर कंडीशन कम्पोज A uh, coalition composed uh, of varied uh, individuals and interest groups resources competition for the resources may conflict. A central issue is organization and power improves uh, the ability or to obtain those resources. Project managers must pay attention to politics and power if they are be affected it is important to know who oppose your power project as well as support them. इम्पॉर्टेंट आई टी इशूज़ रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स फ्रेम एज आर द डिफ्रेंसेज इन द बिटवीन पावर का सेंट्रल फंक्शन एंड ऑपरेशन यूनिट और बिटवीन फंक्शनल मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा यहाँ पर पूरे में क्या बात की है उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये कहा ना कि पॉलिटिकल फ्रेम्स हो सकता सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल पॉलिटिक्स हो सकती है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने बताया कि हो सकता है ग्रुप्स या इंडिविजुअली ग्रुप्स बन जाए या अकेला कोई बंदा आपस में कंपटीशन में लग जाए एक दूसरे से किसके लिए टू तो टेक पावर रिसोर्स और लीडरशिप इन चक्कर इस चक्कर में तीन चक्करों में अब वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स फ्रेम एम्फसाइज आगे दो दो बातें याद रखनी है पहली बात ये कि अगर ऐसा हो जाता है इफ़ इट इट हैपन्स ना आसान इंग्लिश में इफ़ इट हैपन्स और आपकी कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट रहा है कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड है लड़ाई झगड़ा हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यू हैव टू फोकस्ड ऑन इट आपने उसके ऊपर फोकस करना है आसान इंग्लिश में ये लिखना है आपने कि इफ़ इट हैपन्स और कॉन्फ्लिक्ट अकर्स यू हैव टू फोकस्ड ऑन द issue और आपने इशू को देखते वक्त क्या करना है फोकस जब करना है इशू के ऊपर तो क्या करना है आपने देखना है एक और चीज़ को कि क्या वो इशू जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है जो लोग आपस में लड़ रहे उन लोगों में से कौन आपकी कंपनी के लिए अच्छा है और कौन बुरा है मतलब कौन आपकी कंपनी को अपोज कर रहा है और कौन आपकी कंपनी को अपोज नहीं कर रहा है इट इज़ इम्पोर्टेंट नो हु इज़ अपोजिंग योर प्रोजेक्ट और हु इज़ नॉट अपोजिंग योर प्रोजेक्ट कोई आपके प्रोजेक्ट को अपोज तो नहीं कर रहा ओब्वियसली जो आपके प्रोजेक्ट को अपोज करेगा उसे तो आप पहली फुर्सत में निकाल दो लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ बस ये आपने नोटिस करना है और अपनी अटेंशन देनी है और बस यही कहा गया इसके अंदर पहली बात कि लोगों का कम पॉलिटिक्स होगा पॉलिटिक्स अगर कंपनी का होगा तो उसके अंदर ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स आपस में पावर और रिसोर्स और लीडरशिप के लिए फाइट करेंगे इन दैट केस आपने कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर देखना है उसको फोकस करना है इश्यूज को समझना है और सबसे मेन बात ये देखनी है कि क्या वो आपकी कब प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे इफ दे आर अपोजिंग योर प्रोजेक्ट और इफ दे आर नॉ इधर दे आर नॉट अपोजिंग योर प्रोजेक्ट तो आपने अटेंशन देनी है और उसे रिजॉल्व करना है दैट्स इट बस एग्जांपल उन्होंने नीचे दी हुई आप इसकी एग्जांपल कोई भी लिख दो अब बात समझ आ जाए जा तो एग्जांपल भी लिख सकते हो आप अपनी तरफ से द सिंबॉलिक फ्रेम फोकसस ऑन सिंबल्स एंड मीनिंग्स एंड दिस इज इन दिस फ्रेम द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ द इवेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द एक्चुअली हैपेंड बट द मींस वाज इट अ गुड साइन दैट द सीईओ केम टू द kick-off meeting or for a project as uh, or was it a threat the symbolic frame also related the company culture how people dress address and how many IT uh, and international are in are inclu and included stakeholders from various uh, understanding those culture in a crucial symbol frame इसे यहाँ से समझने से अच्छा है इसे यहाँ से समझे सिम्बॉलिक फ्रेम क्या है मीनिंग रिलेटेड टू मीनिंग ओह सिम्बॉलिक फ्रेम क्या है मीनिंग रिलेटेड टू कल्चर कल्चर मीटिंग मीनिंग रिलेटेड टू इवेंट्स कल्चर लैंग्वेजेस ट्रेडिशन इमेजेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस फ्रेम ठीक है एग्जाम्पल में कुछ भी आप लिख सकते हैं मतलब ये क्या रेफर कर करे कल्चर को लैंग्वेज को ट्रेडिशन को इमेज को कि हाउ टू ड्रेस इन कंपनी हाउ द इवेंट विल है अकर और लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है मीन यू आर इन ऑफिस और इन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशन क्या होगा इमेज क्या होगी सब चीज़ें ठीक है इट्स डन